अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप सिर्फ़ और सिर्फ 10 सेकंड में अपनी जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और इसके लिए जो है ना, आपकी पिक्चर के पीछे कोई ग्रीन स्क्रीन का होना ज़रूरी नहीं है। जिस किस्म की भी आपकी पिक्चर है, बेशक उसके पीछे जो है ना किसी आप बिल्डिंग के सामने खड़े हैं या फिर किसी अपने घर के सामने खड़े हैं, गेट के सामने खड़े हैं, मतलब कोई भी पिक्चर है उसका जो है ना 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी आई की वीडियो। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें, और पैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। तो इसके लिए आप जो है ना, आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पर, और यहाँ पर आपने सर्च करना है फोको। जैसे आप फोको क्लिपिंग सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो है ना, आपने जस्ट अपलोड के बटन पर क्लिक करना है, अपलोड इमेज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी गैलरी में लेकर चला जाएगा जी। ये आ गई जी मोबाइल फ़ोन की गैलरी आ गई मेरी। तो यहाँ से मैं अपनी पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, और जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो ये जो है ना उसका ऑटोमेटिक बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देगा। यहाँ अभी पिक्चर जो है ना वो अपलोड हो रही है। ये आप देख सकते हैं जी, पहले इसका जो बैकग्राउंड था वो मैंने घर के अंदर बनाई है अपने, और अभी जो इसका बैकग्राउंड है वो फुली रिमूव हो चुका है। तो जस्ट जो है ना, हम डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर मतलब आपका कुछ पार्ट वैसे तो रहते ही नहीं है, लेकिन अगर रह भी जाए ना तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी बिल्कुल ठीक है, और मतलब इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक जो है ना वो रिमूव हो जाता है। तो मैं जो है ना बैक आ जाऊँगा। ये जी हो चुके हैं। यहाँ पर आप जस्ट डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो फुल रेजोल्यूशन, जब यहाँ पर आप फुल रेजोल्यूशन में करेंगे तो ये जो है ना आपसे अकाउंट मांगेगा, अकाउंट डिटेल, या आगे साइन इन करेगा। लेकिन जो है ना फुल रेजोल्यूशन में साइन इन करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो है ना आप जो है ना प्रीव्यू इमेज इस पर क्लिक करके जो है ना डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये जो है ना कोई साइन इन, कोई लॉग इन नहीं मांगेगा। तो ये भी अच्छी होती है रेजोल्यूशन, वरना फुल अगर आप करना चाहें तो फिर जो है ना वो भी साइन इन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो हमारी पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है, अभी इसके पीछे कोई और बैकग्राउंड लगाते हैं तो जो है ना चेक करते हैं कि क्या इसका जो बैकग्राउंड है वो मतलब रिमूव हुआ है असल में या नहीं। तो मैं जी पिक्सल लैब अपनी ओपन कर लेता हूँ। अभी ये वाली वो पिक्चर है जी, और देखते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है, ये देखें। तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि किस तरह आप सिर्फ 10 सेकंड में अपनी जो पिक्चर है उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और अगर आप चेंज करना चाहें तो जाना चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो पिक्सल लैब है ये मैं एज आ वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। तो अगर आप प्रोफेशनल किस्म का थंबनेल बना लेते हैं तो फिर अच्छी बात है, अगर जो है ना नहीं बना सकते तो मैंने इस पर जो है ना एक पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो ज़रूर जा कर चेक कीजिएगा। उससे जो है ना आप एक इंतहाई जो है ना HD किस्म का और इंतहाई बेहतरीन किस्म का थंबनेल बना पाएंगे। तो आज की वीडियो करते हैं ये पर एंड। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मस्ट लाइक करें, और पैसे नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसे यहाँ पर आपको हर किस्म की ट्रिक्स और यूट्यूब से जो है ना रिलेटेड वीडियो देखने को मिलने वाली है। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।